नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। रांची से बड़ी खबर है, बिल्डर राजीव कुमार के ठिकाने पर छापेमारी अब खत्म हो गई है। बता दें आपको, करीब 17 घंटे तक छापेमारी चली और रांची के 4 जगहों पर छापेमारी हुई। छापेमारी में 2,14,00,000 कैश और जेवरात बरामद किए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये पूरा कैश ही कैश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2,14,00,000 कैश की बरामदगी हुई है, कई जेवरात भी बरामद किए गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई जमीन के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। तो बिल्डर राजीव के ठिकाने से जब्त की गई ये कैश की देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। करीब 17 घंटे तक छापेमारी चली और इस दौरान इतनी कैश की बरामदगी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि कई जेवरात भी हाथ लगे हैं। 2,14,00,000 कैश की बरामदगी और जेवरात भी बरामद किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कैश ही कैश, बिल्डर राजीव के ठिकाने से जब्त ये कैश की तस्वीरें। रांची के 4 जगहों पर छापेमारी हुई, करीब 17 घंटे तक छापेमारी चली और बिल्डर राजीव कुमार के ठिकाने पर से ये कैश और जेवरात बरामद किए गए। और ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया, जहांगीर के आवास से मिले कैश को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया ईडी ने। वीरेंद्र राम ने संजीव लाल को दिए थे करोड़ों रुपए कमीशन के तौर पर। संजीव को करोड़ों रुपए दिए गए थे। मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी हैं संजीव लाल और संजीव के घर से 10.5 लाख और 2 गाड़ियां भी जब्त की गई। तो आपको बता दें कि संजीव लाल जो है वो मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी हैं। संजीव के घर से 10.5 लाख रुपए की बरामदगी हुई, साथ ही साथ 2 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया। ये बड़ी खबर आपको बताते चले, ईडी ने ये बड़ा खुलासा किया है। जहांगीर के आवास से मिले कैश को लेकर के ईडी ने खुलासा करते हुए बताया कि वीरेंद्र राम ने संजीव लाल को करोड़ों रुपए दिए थे, वो भी कमीशन के तौर पर। तो आपको बता दें कि मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी हैं संजीव लाल। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता ओम प्रकाश, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए ईडी ने क्या कुछ बड़े खुलासे किए हैं, एक बार दर्शकों को आप बताएं। जी बिल्कुल, बात की जाए तो ईडी के द्वारा जो वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में छापेमारी की गई, उसमें ओएसडी जो पीएस हैं जो आलमगीर आलम के, उनके द्वारा कमीशन खोरी की जाती थी और इंजीनियरों के माध्यम से वो टेंडर मैनेज कराते थे और फिर उनसे कमीशन वसूलते थे और इस कार्य में पूरी तरह से जहांगीर जो था वो उनका सपोर्ट करता था। वही वीरेंद्र राम से पिछले दिनों जब पूछताछ ईडी के द्वारा की गई थी तो उसने भी ये बातें बताई थी कि 2022 में उसने करीब करोड़ों रुपए जो है वो ओएसडी को दिए थे और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है वो कमीशन खोरी से जुड़ा हुआ था और ये पैसे जो है ये टेंडर और सहित अन्य ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े हुए पैसे हैं। इस बात की जानकारी ईडी को मिली है और इस बारे को इस मैटर को लेकर ही ईडी लगातार कवायद कर रही है और मामले में नए खुलासे लगातार किए जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से ये पूरा नक्शा चल रहा था, जिस तरह से मशीनरी बनाई गई थी, पूरी प्रक्रिया थी कमीशन को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने के लिए, ये कमीशन के पैसे जो ईडी के ने अदालत को भी जानकारी दी है उसने साफ तौर से ये बातें कही है कि ये कमीशन के पैसे ऊपर तक जाते थे। अब ऊपर तक जाते थे इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, इन तमाम चीजों को खंगालने का प्रयास जो है आज से ईडी करेगी, क्योंकि जहांगीर और जो संजीव लाल है उन दोनों को आज से रिमांड पर लिया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। तो कहा जा सकता है आज से जो 6 दिन रहेंगे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रकाश। और देखिए कौन कौन लोग इसमें अब शामिल है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है इस खुलासे के बाद। तो ओएसडी के इसमें संलिप्तता पाए जाने के बाद क्या इसकी जांच की आज जो है वो मंत्री आलमगीर आलम तक भी पहुंच सकती है? जी, जिस तरह से ईडी के द्वारा कोर्ट में जो जानकारियां दी गई हैं उसमें ये बातें कही गई हैं कि पैसे जो थे, जो कमीशन के पैसे थे, ये ऊपर तक जाते थे। तो ऊपर तक जाने का मतलब है कि सरकार के ऊपर तक जाते थे, तो इसमें मंत्री आलमगीर आलम भी हो सकते हैं या फिर अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो देखना होगा कि इस जांच में जिस तरह से कमीशन का खेला हुआ है, उस कमीशन की पैसे के जो सोर्सेज हैं वो कहाँ तक जा रहे थे, पैसे किस तक पहुंच रहे थे, इन तमाम चीजों को लेकर ईडी जो है वो जांच कर रही है। और इसी फेहरिस्त में लगातार कहा जाए तो जो इंजीनियर कमीशन के निविदा के कमीशन
वसूलते थे या फिर कमीशन बांधते थे, उन इंजीनियरों पर भी ईडी की दबिश देखने को मिली है। अब तक कहा जाए तो 3 इंजीनियर जो हैं उनके आवास पर छापेमारी की जा चुकी है, वहां से भी कई कागजात ईडी को मिले हैं। अब उन तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास जो है वो ईडी कर रही है और इस फहरिस्त में कई बड़े खुलासे और कई बड़े लोगों के नाम शुमार हो सकते हैं। बिल्कुल ओम प्रकाश, तो अंदर खाने से क्या जानकारी मिल रही है? जी, आज जो पूछताछ है उस पूछताछ को लेकर ईडी के जो अधिकारी हैं वो लगातार अपनी तैयारियों में जुटे हैं। जो तमाम कड़ियां हैं उन कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और ये कमीशन खोरी कहां तक पहुंची है इसे लेकर जो जांच है वो की जाएगी। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। रांची में ईडी की छापेमारी में मिले नोटों के अंबार पर अब सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी और सीपीआई ने झारखंड सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। रुपया और गरीबी के दुहाई देता है लोग, गरीब का इस तरह शोषण करके पैसा इकट्ठा करके भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा दिया, झारखंड माने लूटखंड बन गया। 50 करोड़ रुपया एक नौकर के यहाँ मिलता, यदि आलमगीर के यहाँ रेड हो जाता तो शायद ये 1000-1500 करोड़ हो जाता। इधर चुनाव हो रहा है और इनके पीए के पास 40 करोड़ रुपया निकलना यह दर्शाता है कि झारखंड में लूट का बाजार गर्म है। चाहे किसी भी विभाग में जाइए वहाँ केवल लूट ही लूट है। जो पैसा मिले हैं उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सहित आलमगीर आलम का वो पैसा हो सकता है। कोई भी सफाई दे इसमें, चाहे वो आलमगीर आलम सफाई दे चाहे वो उनके अध्यक्ष राजेश ठाकुर सफाई दे, सफाई देने से काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पर आलमगीर आलम को इस्तीफा देना चाहिए। साहिबगंज से एक बड़ी खबर, ईडी की रेड पर अब लोबिन हेम्ब्रम ने तंज कसा है। रांची में ईडी की रेड पर बोले लोबिन हेम्ब्रम, कहा सीएम झारखंड को लूटने में लगे हुए हैं, मंत्री भी झारखंड को लूट रहे हैं और लूट में भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर भी शामिल है। जेएमएम विधायक है लोबिन हेम्ब्रम और अपनी ही सरकार पर लोबिन हेम्ब्रम ने जमकर निशाना साधा है। कहा है कि सीएम झारखंड को लूटने की कोशिश में जुटे हुए, मंत्री भी झारखंड को लूट रहे हैं और लूट में भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर्स भी शामिल है, लोबिन हेम्ब्रम का यह कहना है। जबकि जेएमएम के विधायक है लोबिन हेम्ब्रम, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी ही सरकार पर लोबिन हेम्ब्रम निशाना साधते हुए दिखे हैं। तो आपको बता दें कि झारखंड को लूटने का आरोप सीएम पर लगाया है लोबिन हेम्ब्रम ने। ईडी की रेड पर जमकर तंज कसा है लोबिन हेम्ब्रम ने और कहा है कि सीएम जो है वो झारखंड को लूटने में लगे हुए हैं, मंत्री भी झारखंड को लूट रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में भी इन्होंने कहा है कि लूट में भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। दोबारा झारखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। 11 मई को चतरा में चुनावी जनसभा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 मई को चतरा के सिमरिया में जनसभा करने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अमित शाह भी, गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड में चुनावी जनसभा करने वाले हैं। तो 11 मई को चतरा आएंगे पीएम मोदी, चतरा के सिमरिया में जनसभा करने वाले हैं। तो आपको ये बता दें कि इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 9 मई को रांची आने वाले हैं और आपको बता दें कि खूंटी में अमित शाह का कार्यक्रम होगा। तो देखिए पहले गृहमंत्री अमित शाह पहुंचेंगे झारखंड, उसके बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 11 तारीख को पहुंच रहे हैं झारखंड। तो लगातार आपको बताते चले कि कई बड़े दिग्गज नेता झारखंड पहुंचने वाले हैं क्योंकि झारखंड में इस बार पहले चरण का चुनाव होना है। पीएम नरेंद्र मोदी 16 मई को बिरनी आएंगे, जिसको लेकर के तैयारी शुरू हो गई है। बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, राष्ट्रीय संगठन मंत्री कर्णवीर सिंह ने सभा स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री का कोडरमा लोकसभा अंतर्गत बिरनी में आना हो रहा है। इस क्षेत्र में जिस प्रकार से सूचना मिल रही है लोगों में काफी उत्सुकता है, काफी उल्लास का माहौल है और लाखों लाख की संख्या में उनकी बातों को सुनने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए लोग आने वाले हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बोकारो दौरा। 10 मई को बोकारो में चुनावी सभा करने वाले हैं राजनाथ सिंह। बीजेपी उम्मीदवार ढुलू महतो के समर्थन में सभा करने वाले हैं। रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बोकारो में चुनावी सभा करेंगे 10 मई को। और आपको ये बताते चलें कि राजनाथ सिंह यहां पर ढुलू महतो जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में चुनावी जनसभा करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई है। और इधर तेजस्वी यादव का तूफानी चुनाव प्रचार भी अब शुरू हो जाएगा। झारखंड आएंगे तेजस्वी यादव। मेदिनीनगर में तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ममता भुइयां के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। गढ़वा में भी तेजस्वी यादव चुनावी जनसभा करने वाले हैं। तो आपको बताते चले पलामू के लिए तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। मेदिनीनगर में तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। और आपको बताते चले कि ममता भुइयां के समर्थन में चुनावी सभा करने वाले हैं। लोगों से वोट की अपील करेंगे। गढ़वा में भी तेजस्वी यादव चुनावी जनसभा करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी के वीडी राम से ममता भुइयां का जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। कुटी में लोकसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारी चल रही है। खरसावा नहर गांव बीजेपी के झंडे से पटा हुआ है। गांव के लोगों का यह कहना है कि बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा की आसानी से चुनाव जो है वो जीत रहे हैं। चुनाव को लेकर गांव के लोगों से बात किया हमारे संवाददाता प्रवंजन कुमार। खरसावा नगर पे हैं और आपको दिखाते हैं कि यह जो पूरा गांव है वो किस तरह पूरी तरह अब देख सकते हैं कि जो झंडे यहाँ जो पटे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर झंडे देख सकते हैं कैसे यह झंडा इस पूरी तरह इस गाँव में पटे हुए हैं। लेकिन इसके आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें क्या माहौल है, उनमें किस तरह की जो लोग हैं वे किस तरह अपना प्रत्याशी को चाहते हैं हम गांव वाले से भी जानते हैं। और यहाँ ये जो गांव जो है आपका किस तरह लोकसभा प्रत्याशी आप लोग चाहते भी हैं और गांव में पूरी तरह कैसे दिया झंडा पटा हुआ है। खरसावा लोकसभा में खूंटी लोकसभा में खरसावा विधानसभा सबसे ज्यादा लीड भारतीय जनता पार्टी अर्जुन मुंडा का फेवर में लीड करेगी। ऐसा क्यों अर्जुन मुंडा जी का नेतृत्व में खरसावा में हर गरीब दुखी को वो साथ देते हैं। यहाँ पर तो मुर्दा जो भी था और अब है अर्जुन मुंडा के माध्यम से, जैसे इनके पहले जब आए भारतीय जनता पार्टी में तभी कल्याण मंत्री थे, उसके बाद झारखंड का अस्तित्व वो संभाल रहे थे जो कि चीफ मिनिस्टर खरसावा विधानसभा से वो बना। उस दिन से माहौल इतना सुंदर और इतना सुशील रूप से आ गया जो कि यहाँ की जनता लोग अपने आप महसूस करते हैं कि हमको एक अच्छा विधायक मिल गया। उनके लिए नया था खूंटी क्षेत्र जो उसके लिए नया था बहुत, उसी उसको बहुत कम मात्रा से वोट जीते मगर उनको 5 साल मौका दिया यहाँ की जनता 5 साल मौका दिया वो अपना कार्य को बहुत अच्छा निभाए। फिलहाल यह समय बताएगा कि लोकसभा चुनाव से कौन किसकी जीत होती है। ये आपको बता दें कि इस क्षेत्र से खूंटी लोकसभा क्षेत्र से अर्जुन मुंडा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा दोनों प्रत्याशियों के बीच में कड़ी टक्कर है। अब यह देखना है कि जीत किसकी होगी। राजमहल से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने इसे जेएमएम का आंतरिक मामला बताया है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि लोबिन हेम्ब्रम सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार को जगाने का काम किया है लेकिन जेएमएम ने उनके साथ नाइंसाफी की है। ये तो जेएमएम के अंदर का मामला है। पहले भी चमरा लिंडा चुनाव लड़े हैं, पहली बार लड़ रहे हैं सो बात नहीं है। हाँ, लोबिन हेम्ब्रम की लगता है मुझे भी ये पहली बार पागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं राजमहल से। भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था है लेकिन पार्टी से बगावत करके लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि भाई ये चीज तो पार्टी को देखने की बात है। लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद से बीजेपी उम्मीदवार ढुलू महतो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जगह जगह प्रचार कर वोट की अपील कर रहे हैं। इस दौरान ढुलू महतो ने कहा है कि धनबाद में कुछ लोग आतंक का बीज बोना चाह रहे हैं लेकिन ढुलू महतो ने कभी ऐसे लोगों से समझौता नहीं किया है। और पुणे भारत विश्वगुरु के मतदाता कहने हम ढुलू महतो मेरा नाम है, मगर मैं बनिया समाज से आता हूँ, बैस समाज से आता हूँ, साहू समाज से हूँ क्योंकि स्पष्ट हो सके लोगों को बहुत फर्क मालूम नहीं होगा मैं बाय कास्ट मोदी जी का कास्ट हूँ।
तो आज वैसे लोग लगा हुआ है हमारे पीछे, जो वैसे लोग है जो सिर्फ और सिर्फ आतंक का बीज लगाने वाले, उनके वंशज हो या वर्तमान समय में जो विरोध कर रहा है वो आतंक का बीज लगाने वाले लोग हैं। झारखंड में एक बार फिर बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा सियासी गलियारों में गूंजने लगा है। पीएम मोदी और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। बता दें कि पीएम ने प्रदेश में आदिवासियों की घटती जनसंख्या पर चिंता जताई थी। सरकार के अधीन है तो केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि चाहे वो बांग्लादेश की बात हो या किसी भी देश की बात हो, अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो उसको रोकने की भी जिम्मेवारी केंद्र सरकार को निभानी चाहिए। यहां रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।